हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी लीगल मैक्सिम का टॉपिक है एड नॉजियम मीन्स डिस्गस्टिंग और रिडिकुलस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग नॉजिया। नॉजिया को हम जनरल इंग्लिश में बोलेंगे वॉमिटिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ये कहाँ एक्चुअली मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है। It is used to refer to the fact that something has been done or repeated so often that it has become annoying or tiresome। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बोलते हैं ना, कोई एक बात को आपको बार 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 बोला जाए कि वो इतना अनॉय हो जाए, यानी कि आप उससे इतना परेशान हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ad nauseam। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। The woman ultimatums were ad nauseam, her constant threat to divorce, eventually pushing her husband away। यहाँ पे वुमेन जो है क्या बार बार अल्टीमेटम दे रही है, किसको? अपने हस्बैंड को। किस लिए? थ्रेट दे रही है, किसके लिए? डिवोर्स के लिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसका हस्बैंड जो है वो अपने आप ही उससे अवे हो रहा है। तो ये हम सेंटेंस के थ्रू देखा। एक और मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। Tired of arguing this ad nauseam, Jyoti decided to walk away from the repetitive dispute। यानी कि यहाँ पे बार 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 dispute हो रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या ज्योति ने क्या डिसाइड किया कि वो यहाँ से चल ही जाएगी। टायर्ड हो गई थी वो बार बार रेपिटेटिव डिस्प्यूट से। तो आई होप अगर आपको हमारा ये लीगल मैक्सिम समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।